नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई। वर्ग विशेष का युवक आया और नाबालिग को साइड में ले गया और अश्लील हरकत करने लगा, जिस पर मौके पर मौजूद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के कृष्णापुरा छतरी का है, जहां एक नाबालिग लड़की कहीं जा रही थी, तभी जाकिर नाम का युवक आया और उसे पकड़कर साइड में ले गया और अश्लील हरकत करने लगा। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो वहां पर मौजूद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उस युवक को पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई की और एमजी रोड थाने लेकर पहुंचे और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर नारेबाजी भी की। इस मामले में एसीपी शिवपाल सिंह कुशवाहा ने बताया है कि नाबालिग ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। जाकिर को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपनी मां के साथ एक बच्ची ने आकर के रिपोर्ट किया है थाने पे आकर के, कृष्णपुरा छतरी के पास वो घूमते हुए जा रही थी तो एक जाकिर नामक लड़के ने उसको पकड़ा और पकड़ के साइड में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की है, जिस पर से थाना एमजी रोड में अपराध क्रमांक 33/2024 धारा 363/3/5/325 SC/ST एक्ट का प्रकरण कायम करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है और बाकी की कार्रवाई उससे पूछताछ करके की जा रही है। आरोपी जाकिर नाम का लड़का है और उससे भी पूछताछ की जाएगी कि वो क्या करता है, किस टाइप का है, उसकी आपराधिक गतिविधियाँ क्या है, उस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। रहने वाला छत्तीपुरा तरफ का है, छत्तीपुरा। हाँ, उसमें जो लड़की के साथ जब उसने गलत हरकत की तो कुछ लड़के थे, उन्होंने उसको पकड़ के ले के आ रहे थे। उसी समय कुछ लोग उसके परिजन भी आ गए थे, उन्होंने उसका प्रतिकार किया, जिस पर से कुछ विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हुई थी और उस पर से भी उनके विरुद्ध भी जो फरियादी हैं जिनके साथ उसने मिसबिहेव किया है उस पर से भी पृथक से कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में तो केवल वही अकेला है, बाकी का और जो पृथक से कार्रवाई की जा रही है उसमें अन्य उसके परिजन या अन्य आरोपी बने। उसमें वो अभी लिखित में शिकायत दे रहे हैं, जैसी शिकायत आएगी तदनुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है। एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़का छेड़ रहा था तो कुछ काहे कि वो जैसे ही उसको उठा करके लड़की को ले जाने लग गया, परेशान कर रहा था तो लड़की ने कुछ शोर किया, वहाँ कुछ काहे करता आ गए, वो शांतिपूर्वक उसको थाने में ला रहे थे, पुलिस के हवाले कर रहे थे। इतने में उसके माँ और बाप आए तो बोले क्या जितने जो तुम लोग हो हम उनको मारेंगे। तो फिर काहे करताओं ने हमको फ़ोन लगाया, हम भी आए और हमने पूरी घटनाक्रम का जायजा लिया थाने के अंदर। तो उसका बाप बोलता है कि जो भी इस हमारे छोरे को जो है ना FIR दर्ज करेगा तो हम उसको मारेंगे और हमारा छोरा हिंदुओं के साथ में ऐसा ही करेगा। तो इस पे उसको पकड़ करके यहाँ पुलिस के हवाले किया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि ये लव जिहाद का प्रकरण है। ये बरगला करके नाबालिग लड़की है, गरीब परिवार की लड़की है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, उसके साथ में पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है, इसलिए थाने आना पड़ा, कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ देर पहले की घटना है, एक नाबालिग 17 साल की बच्ची छतरी पे खड़ी थी, एक मुस्लिम युवक जाकिर नाम का उसको आपत्तिजनक स्थिति में चाकू अड़ा के उसको बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, जब लड़की चिल्लाई ऐसी स्थिति में वहाँ पर दूर पर खड़े हमारे हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने वह आवाज़ सुनी और वो वहाँ पर गए और लड़की को छुड़वाया और लड़के को पकड़ के यहाँ पर थाने लाए हैं। थाने लाने पे भी कुछ हंगामा हो रहा था यहाँ पर और उसके साथ भी कुछ लोग आए थे। उसके बचाव में जिन लोगों को उसके बचाव वालों को जानकारी नहीं थी वो लोग आए यहाँ पर, तो हमारे संगठन से जुड़े और दूसरे हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग भी जब तक थाने पे आ गए थे और प्रशासन ने बराबर यहाँ पर FIR कर रहे हैं। अभी परिजन लड़की के आ गए हैं और संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। थाने में जो भीड़ आई थी, कुछ हंगामा हुआ था, मारपीट की स्थिति बनी थी? नहीं, वो कुछ गलत फहमियाँ थी, उसके सपोर्ट में लड़के के ऐसे कृत्य करने वाले लड़के के सपोर्ट में कुछ लोग आए थे, पर यहाँ पर उनने जब स्थिति को जाना तो वो लोग भी चले गए, ऐसी घटना हुई। अभी गिरफ्तार कर लिया लड़के को? हाँ, लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, FIR हो रही है, अभी FIR हो रही है और लड़का यहाँ पर ही गिरफ्तार है। सहयोगों के कुछ नाम वगैरह आए? नहीं, वो लोग का पता नहीं है हमको, वो भी उसी के सब
कास्ट के उसके साथ वाले लोग थे, बाकी उन लोगों की विस्तृत जानकारी नहीं है हमारे पास। अभी मामले की FIR लिखवा रहे हैं। मामला जो विधिवत जो हमने देखा है, जो उसको अपहरण करके कोशिश करके जो घटना वो कर रहा था, बराबर उन धाराओं में हम FIR करवाएंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।